व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैंने इतनी ज़्यादा क्लॉजेट एंड वोटो वाली देखी है ना इंटरनेट पे एंड मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है अपना क्लाजेट दिखाने में क्योंकि एक सेकेंड एक सेकेंड आओ इधर आओ आ, ये है बेचारे की हालत वो गिर भी गया नीचे खुलते <laughs> ही ये है मेरे क्लॉज की हालत एक सेकेंड पूरा नहीं खुला हुआ एंड ऊपर है मन्नी के कपड़े जिसमें मेरे भी कपड़े हैं थोड़े बहुत एंड ये है हमारा पूरा क्लॉज अगर देख पा रहे हैं सब तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अगर मेरे क्लोज़ेट तो सारे हूँ बट लेट मी टेल यू एक सेकेंड रुको लेट मी शो यू एक्चुअली सबको वो वाला टाइम याद है शीन एरा तो उस टाइम पे जब मैं शीन से कपड़े मंगवाती थी ना फॉर एग्जाम्पल मैंने पांच टॉप्स मंगवाए तो हर एक टॉप एक एक प्लास्टिक के यू नो ऐसे जिप लॉक बैग में आता था एंड मैंने उन्हें नहीं थ्रो किया मैंने उन्हें अभी तक संभाल रखा है उसके अंदर मैंने बहुत सारे कपड़े अब डाल रखे हैं पैकेट्स को आई कीप दैम इन साइड मतलब इस चीज़ के पीछे सिर्फ ये पैकेट्स रखे हुए हैं डेट्स हाउ आई एम री यूजिंग देम ये वर्क भी नहीं करते ये टूट चुका है इसका जिप लॉक बट आई स्टिल यूज दैम एंड नॉट ओनली शीन यार मतलब जो नॉर्मल अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और ऐसे वाले बैग्स में पैक कपड़े आते हैं सिर्फ एक पीस होता है लेकिन मैं उसमें फिर बहुत सारे पीसेस रख लेती हूँ एंड हाउ आई सेव स्पेस अदरवाइज ये कुछ ऐसे दिखेंगे एंड आई कैन डील विद डैट इतना फिर भी थोड़ा बेरेबल है <laughs> मुझे तो एक और न्यू चीज़ दिखा रही है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड ये मैंने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है ज्वेलरी boxes ये yeah, मैंने इतने सारे लोगों को यूज़ करते हुए देखा है ना वो स्केप्टिकल कि मुझे ये लेने चाहिए या नहीं एंड ना एम सो एक्साइटेड एंड इसको मैंने बाहर ही रखा हुआ है मैं डेली से इसे देखती रहती हूँ मुझे बहुत ही फ्रिटी लगती है इसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी है ये yeah, मैंने अमेजोन से लिए थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड की मुझे ये यू नो पूरा कॉम्बो पैक मिला ये सबसे बड़े वाला है देन ओके वेट मीडियम साइज एंड देन सबसे छुटकू वाला इसमें मेरी सारी रिंग्स हैं सो क्यू एंड इसके अंदर मेरी सारी ज्यूलिया लाइक नेकलेस और नीचे ईयर एंड यहाँ पे मोस्टली सारी इयर ही हैं क्लिप्स वगैरह भी है थोड़े ऐसे यू नो एक्स्ट्रा स्टाफ अहमिया आई लाइक इट सो मच इसको फिलहाल अभी रख देते हैं इसको रखने की भी जगह नहीं है इसके अंदर तो इसे में भारी रखना पड़ता है हा हा हाँ इट्स ओके आई लाइक इट तो जैसे प्यारे दर्शकों आप देख ही चुके हैं कि मेरे पास क्लोज़ेट में ज़्यादा जगह नहीं है सो वेन एवर आई शॉप मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा के एंड अपना टाइम लेके एंड सोच समझ के चीजें लेती हूँ कि मुझे वो काम आए आगे एंड मैं उन्हें यू नो दस बारह बीस वेज में री स्टाइल कर पाऊँ अदरवाइज नो पॉइंट में उन्हें एक टाइम के लिए बस इसमें रखे रखू राइट सो टुडे आई एम गुना शो यू माय फेवरेट आइटम्स जो कि आई गेस होनी ही चाहिए हर किसी के वोड्रोव में एंड दैट मे बी यू नो हेल्प यू क्रिएट योर ओन वोड्रोव एंड क्लॉजेट इन यू वट ऑल यू शुड हैव इन योर क्लॉजेट इफ यू ट्राइंग टू बिल्ड वन बिकॉज मुझे ये क्लोजेट जो कि अभी कूड़ा लग रहा है इसको क्रिएट करने में बहुत साल लगे हैं व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग लाइक फोर फाइव इयर्स बैक एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके जस्ट गेट स्टार्ट अभी विंटर सीजन भी आ गया एवरी थिंग इज सो ग्लोमी लाइट ही चली गई है हम थोड़े से ग्रेनी दिख रहे हैं बट इट्स ओके ओके स्टार्टिंग ऑफ विद ऑब्वियसली टॉप क्रॉप टॉप दीज आर लाइफ सेवियर्स आई मीन मैं इन्हें हर टाइम पहन दूँ अपने फैशन हैक्स वाली वीडियोज़ में या फिर घर पर या ब्लॉग्स में या फिर नॉर्मल चिल वाली वीडियोज में भी दीज आर जस्ट परफेक्ट ये मैंने उस टाइम शीन से लिया था बट अब ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है आई ट्राई टू लिंक एज मच एज पॉसिबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो आई एम हेय टू हेल्प यू डोंट वरी नॉट ओनली दिस आई हैव थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश टाइप वाला भी इसमें थोड़ा सा एनिमल प्रिंट है ये मैंने नगर से लिया था अराउंड थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड रुपीज़ का बट ये अभी तक चल रहे हैं ये तो तीन चार साल पुराना है एंड इट स्टिल परफेक्ट इसकी कंडीशन तो ये कहीं नहीं जाते हैं लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मेरे एक्सपीरियंस में बेसिक्स ज़रूर होने चाहिए बेसिक्स ज़्यादा होने चाहिए ट्रेंडी कपड़ों से बिकॉज बेसिक्स के साथ तुम ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में री स्टाइल इंड स्टाइल कर सकते हैं वो तुम्हें बहुत काम आते हैं एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ टॉप एज वेल यू नो वन शोल्डर देन आई हैव अनदर स्ट्रैपी टॉप ये भी मैंने बहुत पहना है ये भी शीन का है बट अगेन ये amazon पर भी आजकल बहुत मिल रहा है amazon meesho flipkart myntra ajio जस्ट चेक दीज वेबसाइट्स आउट तुम्हें सब मिल जाएगा तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है एंड ऑफकोर्स इफ़ यूर इन डेली सरोजनी जिंदाबाद एज आई ऑलवेज से आई हैव वन मोर टॉप इट्स लाइक कम्प्लीटली ऑफ शोल्डर वाला टॉप बहुत ही छोटे छोटे टॉप है बढ़िया बहुत काम आते हैं हम टेलीग यू आई हैव एक रेड में भी आई हैव ए थोड़ा एक सेकेंड वेट आई हैव दिस ऑफ शोल्डर टॉप जो कि सब मुझसे पूछते हैं कहाँ से लिया ये मैंने बहुत टाइम पहले शीन से लिया था बट अगेन एमेजोन पर यह है आई विल लिंक इट डाउन बिलो आई हैव थोड़े कलरफुल वाले भी वाइट वाले मेरे को सबसे ज़्यादा है बट अगेन यू कैन एड कलर्स लाइक दिस ओमरे सॉड ऑफ ओह मैं गुंडी लग रही हूँ ओमरे सॉड ऑफ टॉप एंड देन ऑब्वियसली यू कैन देन स्विच टू टैंक टॉप्स ये मैंने एच एन एम से लिया था टाईडाई वाला इट्स जस्ट परफेक्ट मुझे ये एज इट इज़ बहुत कम्फर्टेबल लगता है लाइक मुझे लाइक गर्ल टॉक अंदर पहनने की कोई कुछ नीड नहीं लगती है ये एज इट इज़ कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा आई हैव मोर टैंक टॉप ये मैंने इन सेंस से लिया था कमला नगर अगैन परफेक्ट लाइक नाइस फेस्टल कलर हल्की सी फ्लार डिटेल है तो अगेन तुम इसे ड्रेस अप ड्रेस डाउन दोनों कर सकते हो सो जैसे इन्वेस्ट इन अ लॉर्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ टॉप्स एंड मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें एज इट इज ही पहनना है ऊपर यू कैन गेट अ कवर अप लेट मी शो यू माई फेवरेट वन आई लव दिस डेनिम जैकेट ये मैंने इन सेंस से ली थी एंड मैं इसको हर किसी टॉप क्रॉप टॉप के ऊपर पहनती हुई है हर किसी चीज़ के साथ जाता है इवन विद दिस लक बिच आम यू नो

फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ ईच के तो मुझे ये दोनों ब्लेजर्स हंड्रेड रुपीज़ के पड़े थे परफेक्ट यार मतलब एक सेकेंड मुझे अब आ नहीं रहा ओके ओके मैं जिम नहीं छोड़ूँगी लेकिन तब भी ठीक है ये वाला पेन क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ था <laughs> ये परफेक्ट है यार मतलब तुम फिफ्टी रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट में यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर होल लाइक सेमी फॉर्मल या फिर फॉर्मल वाला वो ड्रॉप दैट इज़ जस्ट इनसेन दिल्ली डेली में रहने का मुझे ये बहुत बड़ा वाला फ़ायदा लगता है सरोजनी नगर बट अगेन थोड़े नॉर्मल मिनिमल एंड अफोर्डेबल प्राइजेज में भी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी मिल जाता है आई विल लिंक एवरी फॉर यू गाइज बट या सही नहीं लग रहा लग रहा है ये फिफ्टी रुपीज़ का है मुझे भी नहीं लगा था जब मैं किसी को बताती हूँ उन्हें भी नहीं लगता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट नेक्स्ट आर टॉप्स ऑब्वियसली माय फेवरेट वन नॉट टॉप्स के अंदर पर्सनली आई इंक्लूड एवरीथिंग लाइक ऐसे वाले स्वेटर्स या फिर फुल स्लीव टॉप्स तो, हाफ स्लीव टॉप तो, शर्ट और यू नो एनी तो आई हैव लाइक वेराइटी ऑफ देम आई हैव दिस काइंड ऑफ फैंसी सैटन मटेरियल वाले टॉप्स ये भी मैंने इन सेंस से लिया था कमला नगर इन सेंस ऑनलाइन बी एफ यू वंडरिंग आई विल लिंक देर यू नो इंस्टाग्राम हैंडल डाउन बिलो सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एंड यू कैन शॉप बेसिकली एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ यू नो फैंसी लुकिंग टॉप्स बट मैं बता रही हूँ कि एक बार पहनो एंड यू और डन फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वोट्रोम में कुछ भी नहीं बचा है एंड यू नीड न्यू क्लोथ्स अगेन एंड दैट्स वैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बेसिक्स मोर बिकॉज अगेन तुम उन्हें यू नो बहुत ज़्यादा तरीकों से स्टाइल कर सकते हो इन एवरी थिंग आई हैव दिस काइंड ऑफ यू नो बेचारे की हालत खराब हो गई है <laughs> इतना दबा हुआ था ये <laughs> ये मैंने जारा um, से लिया था आई गेस या एच एन एम से आई डोंट रिमेंबर और मैंने इसे अभी तक नहीं पहना है सी दैट्स वट है इसको मैं आगे रखूँगी ऑल्सो <laughs> जब भी मैं टॉप्स लेती हूँ टॉप्स क्या मैं कुछ भी लेती हूँ बीट ज्वेलरी क्लोथ शूज एनी थिंग आई ऑलवेज़ कम्पेयर द प्राइज दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एक तो मेरे पास वैसे ही जगह नहीं है ठीक है कपड़े रखने की ऊपर से अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ किसी भी चीज़ पर आई वॉन्ट कि उसकी मुझे वर्थ मिले सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला टॉप जो मैंने अभी पहना हुआ है ये मैंने मीशो से लिया था अराउंड थ्री हंड्रेड का मुझे पड़ा था एंड बाद में नेक्स्ट डे आज इज ब्राउजिंग थ्रू अरबेन एंड वहाँ पर मुझे सेम ये टॉप मिला कलर्स डिफरेंट थे अराउंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ का सो so,

कर सकते हो सो बेसिकली अभी विंटर सीजन है दिल्ली में तो मेरे टॉप फोर स्वेटर्स फोर फाइव वटेवर स्वेटर्स जो कि आई गेस होने ही चाहिए इज एक तो ऐसा यू नो मेटालिक वाला कि थोड़ा पार्टी वेयर में काम आए तो ये बहुत ही परफेक्ट रहता है इसके नीचे यू कैन वेयर अ फॉल एथ स्कर्ट विद लेगिंग्स एंड बूट्स एंड ऊपर ऐसे कोट थ्रो कर सकते हैं इट विल लुक वेरी शीक एंड पार्टी अप्रोप्रिएटली मैंने चोर बाजार से लिया था या वेलकम <laughs> और मेरे पास एक और है ये मैंने फ्राइडे मार्केट से लिया था बट लुक हाउ क्यूट ये क्रॉप्स क्रॉप स्वेटर है अगेन ब्लैक एंड इसमें थोड़ी सी शिमरी वाइब आ रही है एंड ये मैंने अभी रिसेंट ट्रिप में भी पहना था एंड बहुत ही मस्त लग रहा था ओके आई हैव दी ओल्डेस्ट स्वेटर ऐसे वाले स्वेटर्स वैसे बहुत इजीली नॉर्मल मार्केट्स में भी मिल जाते हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल सिंपल लुकिंग स्वेटर थोड़ा सा टर्टल नेक एंड या इट जस्ट कीप्स यू वॉम इट्स वेरी सॉफ्ट एंड ये मैंने अभी रिसेंटली लिया था ये तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इस वाले स्वेटर को पहनने में इट्स लाइक like तुम्हें टाई करना और अपने आप को यू नो अच्छे से ढकना भी है सो मेक श्योर योर वेयरिंग हाई नेक स्वेटर ओ आई हैव हाई नेक स्वेटर्स ऑल्सो एक ब्लैक और एक वाइट में भी यहाँ मिलने वाला मुझे बट आई जस्ट हैव टू ऑफ देम एंड माई लाइफ इज सॉर्टेड लाइक वो मैं कब से चला रही हूँ एंड मुझे कोई और कलर की नीड नहीं है बट यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद कलर्स राइट मुझे डर लग रहा है मुझे ये सब समेत भी है एक बार देखो जरा नीचे क्या हालत हो रखी है मैं पाइल ऑफ क्लोथ्स में डूब गई हूँ बचाओ मुझे कोई शर्ट अप सोनिया एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू द टॉप्स ट्राई टू गेट ट्रेंडी वाले टॉप्स ऑल्सो बिकॉज ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल ही हमें ऐसे बेसिक्स में मर नहीं जाना है हमें थोड़ा सा तो यू you know अपने शौक पूरा करना ही है सो so, ऐसे वाले टॉप्स भी ले सकते हैं लाइक like, रूज एंड ब्लाउज स्लीव क्या हो गया मेरे को मैं इतने सारे वर्ड्स बोल मैं ही भूल रही हूँ एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर कलरफुल स्ट्राइप्स बेसिक सिंपल एंड यू टेलिंग यू लास्ट इन्होंने अपने बर्थडे पर पहना था कैन यू इमेजिन नॉट दी स्पार्कली थिंग दिस बेसिक थिंग आस्किंग अबाउट सॉरी मैं इतने लेंथ वाले ही टी शर्ट्स प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई गेस ये लेंथ मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट करती है इज़ जस्ट यू नो पर्सनल प्रेफरेंस दिस वन इज फ्रॉम जारा ये मैंने सेल पे ली थी 500 हंड्रेड रुपीज़ की एंड इट स्टिल वर्किंग द बेस्ट फॉर मी वाला इसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज स्टिल वर्किंग फाइन देन कम्स शर्ट्स एंड टी शर्ट्स ओके सो एक बेसिक वाइट शर्ट तो होनी ही चाहिए आई नो वेन इट कम्स टू बेसिक वाइट शर्ट पीपल गो फॉर सच एक्सपेंसिव ब्रांड्स एंड वट and that is fine that is completely fine because obviously you are investing in that in one time and एंड अगर तुम अपना मनी स्पेंड कर रहे हो तुम ओबियसली चाहते हो तुम्हें अच्छी चीज़ मिले but मैंने ये सरोजनी से ली थी शायद सरोजनी या फिर फ्राइडे मार्केट समथिंग से एंड इसकी क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है इस लाइक हाफ स्लीव शर्ट सो अगर कोई फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल इवेंट वगैरह आते हैं सो यू कैन वेयर दैट एंड नॉट ओनली एज शर्ट आई ऑल्सो लव टू वेयर इट एज ए कवर अप लाइक बीच पे या फिर एज अ स्ट्रेपी टॉप के ऊपर समर्स में अभी मैं एक डॉक्टर लग रही हूँ बट यू गेट द आइडिया राइट आई नो इट्स ट्रांसपेरेंट बट ऑब्यस यू कैन वेयर राइट कांड ऑफ इनोवेरेंस आई एंड एंड विल भी गुड टू गो देन आई हैव दिस और गैन्जा शर्ट इट वॉज एक्चुअली गिफ्टेड बट या नाइस कलर एंड एवरी थिंग एंड कैन हैव यू नो लाइक फन प्रिंट्स और बहुत ही ऐसे वाइब्रेंट कलर्स और कुछ डिफरेंट थिंग इन योर वो अपार्ट फ्रॉम अ सिम्पल वाइट शर्ट इफ यू नो आई मीन एंड उसके बाद आई हैव दिस क्रॉप टी शर्ट में बस सब कुछ क्रॉप में ही है आई एम आई एम नॉट सॉरी एक्चुअली बिकॉज दैट जस्ट वर्कस फॉर मी ये कुछ ज़्यादा ही क्रॉप है एंड अगर इसमें तुम हाथ ऊपर करते हो इट जस्ट शोज एवरी थिंग बट आई लाइक इट आई हैव वन मोर दिस इज लाइक अ फ्लोरस शर्ट ये सबको पसंद आई थी ये बहुत पुरानी है एंड बेचारी ये क्रश हो जाती है हर टाइम मुझे हर टाइम इसे स्टीम आयरन करना पड़ता है बट परफेक्ट फॉर समर सो लाइक वाइट शर्ट ऐसे कलरफुल एक टी शर्ट एंड समाइब्रेंट फन कलर में शर्ट एंड आई गेस ये बेसिक्स आर डन आई गेस मेरे पास यही है मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए एंड यानसोटेड हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर इंस्टाग्राम मेरे दिमाग को खराब कर रहा है नॉट गोन ब्रैक बट आई गेस आई हैव दी मोस्ट सिंपल एंड दी बेस्ट बॉटम कलेक्शन आई मीन आई हैव वन ऑफ एवरी थिंग एंड आई एम जस्ट अगेन सॉटेड तो मेरे पास पहले है ये ब्लैक जीन्स ये जॉगर स्टाइल में है एक इलास्टिक बैंड के साथ एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल है लिटरली ऐसे लगता है कि पजामा पहना हुआ है एंड ये मैंने मिंत्रा से ली थी देन आई हैव दीज ब्लू शॉर्ट्स अगेन इलास्टिक के साथ अम अ बेबी मोस्ट ऑफ़ द कपड़ों में मेरे पास इलास्टिक है वॉट इज हैिंग वट इज रॉन्ग विद बी ये शॉर्ट्स है इट्स लाइक अ नाइस कवरेज देती है ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है तो यह परफेक्ट लेंथ ब्लू कलर में आई हैव बेस्ट ब्लू जीन्स ऑल्सो ये मैंने इंसेंसिली थी ये थोड़ी अब बड़ी लग रही है एंड ये लो वेस्ट है आई डोंट प्रेफर वेरिंग लो वेस्ट बट जस्ट फॉर अ चेंज आई गॉट इट एंड आई लाइक इट देन आई हैव फेडेड ब्लैक जीन्स एक ये पूरी ब्लैक ब्लैक हो गई एंड देन आई हैव अ फेडिड वन ये मैंने एच एन एम से ली थी इट्स सुपर डूपर हाई वेस्टेड मॉम जीन्स लव इट यूज सीन मी वेरिंग इट सो मेरी टाइम्स एंड इसका फिट आई लव इट एंड जीन्स का यही फ़ायदा होता है एक बार ले लो सालों साल चलती है अनलेस यू नो तुम्हारा साइज चेंज ना हो गया हो देन आई हैव एक ब्राउन कलर में पैंट्स ये मैंने सरोजनी से ली थी बेसिक ब्राउन यू नो

गर्मी सी लग गई है <laughs> तो हाई यू कैट बट आई वीन सो ऐसे बोले एक एक सब कुछ हो ना लाइक like बेसिक में ब्लू जीन्स हो गई एक ब्लैक जीन्स हो गई एक फेविड अगर लेनी है तो एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स भी ले सकते हैं लाइक मोम जीन्स वाइट लेग और स्किन इनमें भी एक एक हो एंड देन यू कैन जस्ट मिक्स मैच दीज टॉप्स उसके ऊपर एंड कवर अप्स एंड ज्यूलरी हो गया यू आर रेडी योर आउटफिट इज डन एंड यू कैन रॉक द डे उसके बाद आई हैव दिस स्कर्ट ऑल्सो लाइक बेसिक वाइट टेनिस स्कर्ट ये मैं विंटर्स में बहुत ज्यादा पहनने वाली हूँ एक्चुअली ये मैं ढूंढ रही थी hmm, काफ़ी चीज़ें मिल रही है मुझे सो या अगेन वाइट स्कर्ट पहले मेरे पास डेनिम स्कर्ट भी थी बट वो अब मुझे फिट नहीं होती है तो वो हम नहीं दिखाने वाले आई हैव वाइट पैंट्स ऑल्सो दी मोस्ट ओल्ड वाइट पैंट्स माई क्लॉजेट ये मैंने शीन से ली थी Uh, मुझे ऐसी वाली और कहीं मिली भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये तब ले ली थी बिकॉज ये मैंने बहुत चलाई है एंड आई स्टिल वेर इट अलॉट इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड पार्टीज ऑफ या फिर जो भी ब्लॉगर वाले यू नो मीट एंड ग्रीट्स या कुछ भी होते हैं आई वे दम एंड मैंने बहुत ज़्यादा लुक्स क्रिएट करे एंड ट्रैवलिंग में भी बहुत यूज़ करा है एंड बेचारे को कुछ नहीं हुआ है अभी तक थैंक गॉड

ओकेजन ऐसे ढूंढ के ही पहनती हूँ कि हाँ ये अच्छी लगे एंड काम आए एंड एक्चुअली मैंने इसे एक बार पार्टी में भी पहना था जॉगर्स इन पार्टी येस दैट्स मी ओके आई हैव अनदर वन ऐसे पेपर बैग वाले दिस आई डोंट वेयर एनी मोर बिकॉज इसका मटीरियल बहुत ही पतलूसा एंड जस्ट स्टिक्स टू योर स्किन आई डोंट लाइक दैट फीलिंग ओकेट की अभी हम बात कर रहे थे आई हैव दिस पॉल एज स्कर्ट ये मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे लाइक वो अपनी बर्थडे की शॉपिंग कर रही थी एंड मैंने अपने लिए कपड़े ले, ले लिए थे तो <laughs> ये मैंने तब पिक किया था एच एन एम से एंड या इज जस्ट परफेक्ट इसके बैक में चेन है आई लव दिस कॉन्सेप्ट आगे बिल्कुल प्लेन या लव इट एंड आई हैव वन मोर लेट मी ओपन इट दिस आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम अरवेनिक इससे मुझे अभी तक पहनने का टाइम नहीं मिला है बट आई एम गोइंग अगेन समवेयर सुपर डुपर सून तो मैं भी शायद मैं वहाँ पर पहनू इज लाइक अ व्हाइट स्कर्ट आई लव वाइट कलर्स मोर बिकॉज उसके ऊपर तुम कोई भी कलर पहनो इट जस्ट कम्स अ नाइस इज अस गोज विद वाइट आई मीन ऑफकोर्स लाइक इट्स लाइक अ प्लेन ब्लैक कैनवस एंड उसके ऊपर तुम कितना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इट्स लाइक ए लाइन स्कर्ट विद टाइप इन फ्रंटी सो गैस मैं थक गई बट <laughs> मुझे बहुत ही मजा आया एंड जो तुम सोच रहे हो ना कि और ये पीछे क्या सामान रखा हुआ है सब कुछ सिमिलर ही है तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ सब कुछ यही है एंड आई होप दैट इट हेल्प यू इन सम वे एंड आई नो कि मोस्टली हमने यू नो बेसिक्स एंड क्या कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स कैरी कर सकते हैं उनके बारे में बात की बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू स्टाइल दम एंड यू नो हाउ यू मेक इट डिफरेंट एंड यू नो स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड इफ यू वॉन्ट टू नो प्रेशर एंड आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प एंड इफ यू हैव एनी मोर सजेश्स जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ऑन बिलो हम कर देंगे वो काम तुम भूल के तो देखो एंड जस्ट लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल सी नेक्स्ट वन बाय